सकले सकले निष्कले वा श्री पूर्णानंद तीर्थम वयमिह कुशला उत्कलम संविशामा विश्वेशामनुरंजनेन जनयन आनंदमिंदीवर श्रेणी श्यामल कोमलैरुपनयन अंगैरनंगोत्सवम् स्वच्छंदम् ब्रजसुंदरी विरहिता प्रत्यंगमालिंगिता श्रृंगार सखी मूर्तिमानिव मधौ मुग्धो हरिः क्रीडति ओ परमात्मा का साक्षात्कार होने में मूल दोष यही है कि हम अपने को देह मानते हैं या देह के पिंजरे में चेतन को कैद मानते हैं। यदि देह से चेतन को विविक्त कर लिया जाए, विविक्त माने अलग, जान लिया जाए कि अलग है, तो परमात्मा की प्राप्ति में किसी प्रकार का प्रतिबंध, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। आओ जरा परमात्मा की बातचीत का मजा लें। इस संसार में ज्ञान और अनुभव दो चीज होती है। गुरु को जानना, आंख में ले लेना, आंख से पहचान लेना, ये गुण है, इसका नाम होता है ज्ञान। और जब जीभ पर उसका रसा स्वादन होता है, जीभ पर डाल के स्वाद लेते हैं, तब होता है उसका अनुभव, और अनुभव करने वाला उससे जुदा होता है, वो और परे है। भागवत में तो सारा प्रश्न ही ये है राजा भरत का, पटलोई को रखते हैं आग पर, पतीली रखी गई आग पर, उसमें रखा हुआ पानी गर्म हो गया और उस पानी में डाल दिया गया चावल, तब वो पक गया। ऐसे ये शरीर रूप पटलोई में वासना के पानी में ये जो चेतन रूप चावल है ये गर्म होता है, पकता है, मीठा होता है। जड़ भरत ने राजा रघुगण के प्रश्न का जड़ भरत ने जो उत्तर दिया है वहां वो देखने योग्य है। शरीर रूप कटलोई गर्म हुई, वासनावान सूक्ष्म शरीर गर्म हुआ, लेकिन आत्मदेव जो है वो चावल की तरह नहीं है, वे तो आकाश के समान है, वे आग में भी है, पतीली में भी है, पानी में भी है, चावल में भी है, कोई ताप उनको नहीं कर सकता है, संपूर्ण पाप पापों से वे निराले हैं। तो जो अन्य वस्तु का ज्ञान होता है
उसमें ज्ञान होने पर भी उसको प्राप्त करना शेष रहता है, और जो स्ववस्तु का ज्ञान होता है वो अज्ञान को मिटा देता है, और स्ववस्तु का जो अनुभव है वो अलग नहीं रहता है। अन्य वस्तु के अनुभव में अनुभाव भी अलग, अनुभव अलग, अनुभविता अलग, परंतु प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व के अनुभव में अनुभविता, अनुभव, अनुभाव अलग नहीं होता है। वो तो अनुभूति स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है, वो अनुभव का विषय नहीं है कि आज अनुभव हुआ, थोड़ी देर तक अनुभव रहा और फिर चला गया अनुभव, ऐसा नहीं है। वो तो स्वयं अनुभव स्वरूप है। इतनी बात करने के बाद आपको सुनाते हैं, ईश्वर अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है, हिरण्यगर्भ अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है, विराट अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है, नारायण अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हैं, ब्रह्मा जी को नारायण ज्ञान देते हैं, सनत कुमार आदि स्वतः सिद्ध ज्ञानवान है, ऐसा है। उनका ज्ञान में ही उनको कभी वैकुंठ में जाने की अपनी ओर से जरूरत ही नहीं पड़ती, भगवान बुलावे तक जाए। सनत कुमार है, ज्ञान में ही तृप्त है। फिर ऐसे महात्मा है जो ज्ञान में तृप्त रहते हैं, फिर ऐसे महात्मा है जो उपासना में तृप्त रहते हैं, ऐसे महात्मा है जो कर्म के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। कुछ महात्मा ऐसे भी होते हैं जो भोजन डालते हैं अपने मुंह में और देखते हैं कि स्वाद भगवान ले रहे हैं। अब आपको और क्या सुनाए, इसमें ज्ञान से तृप्त होने वाले महात्मा निर्गुण निराकार में स्थित होते हैं, और भगवान के स्वभाव से कृतार्थ होने वाले महात्मा शरणागत हो जाते हैं। भगवान का स्वभाव ही ऐसा है, परम कोमल शीत, लोग शरणागति उनकी कर रहे थे। और जो भगवान के प्रेम को पहचानते हैं वे प्रेमी हो जाते हैं। स्वभाव में शरणागति होती है और गुणों में प्रेम होता है, और जो विराट रूप में भगवान को पहचानते हैं वे क्रिया योग के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। अब इसमें भगवान को परिश्रम कहाँ करना पड़ता है, न ज्ञानी के लिए, न ध्यानी के लिए, न क्रिया जोगी के लिए, भगवान को थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए, क्योंकि उनकी ऐसी ऐसी मांग होती है भगवान के बारे में। अभी आपको सुनाते हैं, नारद प्रेमी महात्मा है, सुखदेव आदि ज्ञानी महात्मा है, सनकादि ज्ञान से तृप्त बालकों की तरह खेलने वाले महात्मा है, वशिष्ठ क्रिया योगी महात्मा है, राम कृष्ण जनक अश्वपति, ये राजयोगी महात्मा है, और दत्तात्रेय रेभु नदार, ये सब अलमत फकीरा रहमल्ला मत वाले रहते हैं,
अब देखो कृष्ण लीला की बात करें, कृष्ण लीला में जो उद्धव जी हैं ये प्रतीक्षा करते हैं लोग उद्धव जी का, मतलब हमको मालूम है उद्धव जी को ज्ञान उस समय नहीं था जब वो ब्रज में आए थे, वो तो बहुत बड़े विद्वान थे। ज्ञान तो उनको तब हुआ जब श्री कृष्ण ने उनको उपदेश किया जाते समय। ये बात भागवत पढ़ने वालों के लिए बिल्कुल साफ साफ है, उद्धव जी जब ब्रज में आए थे तो अपनी पंडिताई लेके आए थे और गोपियों ने प्रेम के सामने उनकी पंडिताई को पछाड़ दिया। दूधो तुम भय दौरे, बाती लेके आए दौरे, दूध कहाँ रखे, यहाँ रोम रोम श्याम है। चाकर नहीं है काहू ब्रह्म के बबाती हम, सूधे कहे देती उधर कान की कमेरी। इनमें भी देखो उद्धव जी को उपदेश करना पड़ा, वसुदेव जी को उपदेश करवाना पड़ा महात्माओं से। सब भगवान के प्रेमी हैं, भक्त हैं। अच्छा, पत्नियां जो थी उनको श्री कृष्ण के पास बैठे बैठे वियोग का अनुभव होता था, पूरा ऋतुलपतिष्ठ सारी दुनिया उन्हें भगवान के विरह में व्याकुल मालूम पड़ने लगती थी, स्वयं व्याकुल हो जाती थी, कृष्ण के पास रहते रहते मानसिक वियोग हो जाता था। असल में जिनको वियोग का अनुभव नहीं होता उनको संयोग का सुख भी नहीं मिलता, यही रस शास्त्र की प्रणाली। लेकिन रुक्मिणी जी ऐसी हैं कि उनको मानसिक वियोग नहीं होता है, तो भगवान उनसे कहते हैं जाओ तुम हमारे पास से किसी दूसरे के साथ ब्याह कर लो। माने वाणी बोल करके वाचनिक वियोग पैदा करना पड़ा रुक्मिणी को। अब आओ गोपियों के साथ, गोपियों को मानसिक वियोग तो कभी हुए ही नहीं, निरंतर का मन मनस का मस्त्र मगर को सत्य रहेगा। उनको वाचनिक वियोग देने की कोशिश की कृष्ण ने, प्रतिजात तथो गृहान, परंतु उसका असर नहीं पड़ा, डर गए। हम नहीं समझती थी कि तुम इतने कठोर होगे और हमें यहाँ से लौट जाने को कहोगे, हम तो तुम्हारे ऊपर अपना सर्वस्व निछावर करके तुम्हारे साथ आए हैं। अब देखो ये भक्ति सिद्धांत आ सकते हैं, सनत कुमार के हृदय में आत्मा के रूप में प्रकट होने में भगवान को कोई श्रम नहीं है, निरावरण सदा निरावरण, सब विश्व परम पदम सदा पश्यन्ति सुग्रया, दिवि वचक्षुरातम दिवि वचक्षुरातम, जैसे आकाश में सूर्य दिखता है चमाचान चमकता हुआ, जगमग जगमग जगमिल जगमिल, कनकादि को तो क्या तकलीफ है, भगवान को उनके सामने जाहिर होने में सदा सकते, सदा विष्णु का परम पद और सदा देखने वाले महात्मा, वहां भगवान को ध्यान में लाने में मनुष्य अपने मन से भगवान की मूर्ति ध्यान में ले आता है, उनको भगवान के रूप में देखता है, ध्यान में आने में भी जहां से कहा निर्गुण भी जहां का था निराकार भी जहां का था, परंतु जब साकार होते हैं भगवान, आप लोग आश्चर्य मत करना, ईश्वर का ऐसा स्वरूप
दुनिया के किसी मजहब वाले नहीं मानते हैं। जैन बौद्ध की बात तो अलग है, उनसे तो महात्मा ही इतराज होता है, लेकिन जो मुसलमान हैं, ईसाई लोग हैं, वो ईश्वर को निराकार और सगुण स्वीकार करते हैं, परंतु अवतार स्वीकार नहीं करते। हमारे भगवान ये भी एक वैदिक धर्म की विशेषता है, स्वयं सर्वम ब्रह्मैव वेदम सर्वम सदहीदम सर्वम सिद्धहीदम सर्वम आत्मवेदम सर्वम स्वयवेदम सर्वम अहमेवेदम सर्वम सर्व सर्वगत सर्वौरालय। भगवान सब में व्यापक है, भगवान सबके हृदय में है, भगवान सब है, ऐसा भगवान दुनिया के किसी मजहब के साथ है। हमारा भगवान ऐसा विलक्षण, पर भगवान को पूरी शक्ति कहाँ लगानी पड़ती है, भगवान को पूर्ण रूप से कहाँ प्रकट होता है, होना पड़ता है। और जगह कहीं निर्गुण से काम चल गया, कहीं सगुण से काम चल गया, कहीं निराकार से काम चल गया, कहीं साकार से काम चल गया। ये जो ब्रजवासी हैं, इनके बीच में तो आकर के भगवान को नाचना पड़ता है, चोर बनना पड़ता है, छेड़छाड़ करना पड़ता है, माने भगवान को अपना समग्र रूप इनके सामने प्रकट करना पड़ता है। क्योंकि यदि भगवान अपना समग्र रूप इनके लिए प्रकट न करें तो न गोपियों को संतोष होगा और न भगवान कितने सुंदर हैं, कितने मधुर हैं इसका पता चलेगा, न गोपियों का होगा संतोष और न भगवान के अनंत सौंदर्य माधुर्य का, उनके सौरभ्य सौरस्य सौरूप्य सौकुमार्य सौस्वर्य इनका अनुभव ही किसी को नहीं होगा। इसलिए गोपियों के बीच में जो भगवान है वो समझ अपनी पूरी की पूरी विशेषता, अपना स्वभाव, अपना गुण, अपनी महिमा, अपना तत्व, इतना अपना प्रभाव, सब कुछ लेकर के गोपियों के सामने भगवान प्रकट होते हैं। अद्भुत लीला है। चार हाथ नहीं है लेकिन नारायण है गोपियों में, शंख चक्र गदा पद्म नहीं है लेकिन नारायण है, लक्ष्मी जी साथ नहीं है लेकिन नारायण है, सिंहासन पर बैठे नहीं है लेकिन नारायण है, रोज आरती नहीं उतरती है लेकिन नारायण है, ऐसे भगवान हम लोगों के बीच में हमारे सरिता बन के आए। सजातीय में प्रीति होती है, जब तक हमारे शरीर से भगवान नहीं बनेंगे तब तक उनसे प्रीति कहां से होगी। ओ देखो भगवान दुवा सुवासा परिवीत आघात सौश्रेयान भवती जायमाना, जवान है, बड़ा सुंदर पीतांबर धारण किए हुए, परिवीत है, सुरक्षित ग्वाल बाल सहित गोपी सहित, और ये कोई तपस्या करके बुद्धादि के समान सिद्ध नहीं हुआ है। सौ श्रेयान भवती जायमाना, वो अजन्मा नहीं जन्म वाला है, लेकिन इससे बड़ा दुनिया में और कोई नहीं है ऐसा ईश्वर। दूसरों का ईश्वर ऐसा हो तो मर जाएगा, ये तो ब्रह्म रूप ईश्वर है, ब्रह्मा अतिरिक्त
दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अब आपको सुनाते हैं, ये ब्रह्म केवल जीवन के लिए कर्म का उपदेश करने के लिए नहीं आया है। कर्म तो करता है, प्रातः काल उठे स्नान के बिना बैठ जाता है, वो आप पांव धोते बैठ जाता है और श्री कृष्ण भगवान ध्यान करते हैं, आदित्य वर्णम तमस परत्ता, मैं स्वयं परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म हूं, कर्म करता है, शरीरधारी होता है, किसी से प्रेम करता है, किसी का शरीर बदल देता है, कहीं मिल जाता है, कहीं भाग जाता है, ये कौन है? कहीं ये रस भगवान है, रसीला है। रसो वैसा रसम के वायम लब्ध्वा आनंदी भवती, जैसे रस जलमिल जलमिल हो रहा हो, जैसे ज्योति जगमग जगमग जल रही हो, ऐसे ये ईश्वर सच्चिन्मयो नीलिमा। भगवान शंकराचार्य ने कहा, इस नीलिमा को आप क्या समझते हैं? ये सत स्वरूप है, चित स्वरूप है। भगवान केवल कर्म का आदर्श लेके आते हैं, सत है, केवल ज्ञान का उपदेश करते हैं, बोले चित है, लेकिन आनंद भी तो देते हैं। कोई कोई अवतार हैं, वो केवल जीवन का आदर्श प्रकट करते हैं, कोई कोई अवतार ऐसे हैं जो ज्ञान देने के लिए आते हैं, कपिल देव ज्ञान ही देने के लिए हैं, रामो विग्रहवान धर्मा, राम धर्म की मूर्ति हैं। श्री कृष्ण आए आनंद लेके, राम धर्म की मूर्ति हैं। श्री कृष्ण आए आनंद देखे, आनंद मात्र करपाद मुखोदरादिन गोविंदवादि पुरुषम तमहम भजामि। बृहद ब्रह्म संहिता बोलते हैं, श्री कृष्ण के नाखून से लेकर के उनके टखने, उनके घुटने, उनकी जांघ, उनकी कमर, उनका पेट, उनकी छाती, उनकी बाहुएं, उनके कंधे, उनकी आंख, नाक, समग्र शरीर क्या है? आनंद मात्र है, उसमें दूसरी किसी चीज का मेल नहीं है। जैसे मिट्टी से भला बनता है, वैसे आनंद से श्री कृष्ण की आकृति बनी हुई है। आनंदो ब्रह्म इति व्यजाना, आनंदी भवती, आनंदी रसम वही लब्ध्वा आनंदी भवती, जहां आपको रस मिला, रस सच पूछो तो ये दिन दुनिया छूटेगी नहीं, जब तक भगवान का आनंद आपके जीवन में नहीं आएगा। तो क्या आप ध्यान करके आनंद के पास पहुंच जाते हैं कि आनंद स्वयं आपके पास आ जाता है? आनंद सगुण है, आनंद सविशेष है, आनंद ही मूर्तिमान होता है, जल में जल में, जैसे सांवरे, जैसे सांवरे बोतल में, और जगमग अमृतमयी ज्योति, जगमग अमृतमयी ज्योति हो, बोतल है सांवरा पर भीतर अमृत, अमृत ज्योतिर्मय अमृत है। और देखो, भगवान के शरीर का उपादान आनंद है, भगवान के शरीर का निमित्त करुणा है। बड़े बड़े नैयायिक तार्किक, वैसे हम तो ज्यादा इन लोगों की कोई परवाह नहीं करते, बड़े बड़े वेदांती, बड़े बड़े नैयायिक बोलते हैं, नूतन जलधर रुपे विश्वनाथ अर्क पंचानन न्याय न्याय मुक्तावली के कर्ता मंगलाचरण करते हैं, भगवान कैसे
वर्षाकालीन नवीन मेघ के समान उनके अंग की कांति है। काम क्या करते हैं, शरीर तो ऐसा है, काम क्या करते हैं, गोप बधूटी दुदूल चौराया, नूतन जल धर रुदे गोप बधूटी दुदूल चौराया। गोपों की जो छोटी छोटी बहुएं हैं, बधूटी माने छोटी नई बहुरिया, उनके कपड़ों की चोरी करते हैं। ये कौन बोलता है, नैयायिक शिरोमणि तस्मै कृष्णाय नमः संसार मही रुहस्व बीजाय। मामूली नहीं है, इस संसार रूपी वृक्ष का बीज है। मधुसूदन सरस्वती जैसा अद्वैत सिद्धि का लेखक परम वेदांति बोलता है, आवृत महावीर वार नारी ही गोपियां घेरे हुए हैं, ऐसा कृष्ण वंशी विभूषित करात नवनीर दावात पीतांबरात अरुण बिंब फला दरोष्टा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात परम किमपि तत्वमहं न जाने। चुप भैये लोग दो सोचते हैं कि भगवान के सिवा एक शैतान भी है, एक परब्रह्म परमात्मा सत है लेकिन असत भी कुछ होता है, परमात्मा चित है लेकिन असित भी कुछ होता है, परमात्मा आनंद है लेकिन दुख भी कुछ होता है। उन लोगों की समझ में ये बात नहीं आती, उस सच्चिदानंद प्रभु के सिवा न सृष्टि में कुछ और है, न प्रलय में कुछ और है, और न दोनों से अतीत कुछ और है। सृष्टि प्रलय तो छोटे छोटे होते, जिसकी सृष्टि होती है वो बहुत छोटा, जिसका प्रलय होता है बहुत छोटा, जो सृष्टि और प्रलय का अधिष्ठान होता है, प्रकाशक होता है, वो तो अद्वितीय होता है, अनंत होता है, अनादि होता है और स्वस्वरूप होता है, भगवान का वो रूप। थोड़ा उसका आस्वादन करो, उसके लिए चले हो प्रगतभूमि में। ज्ञानातीतं किमपि परमं येति जानन्ति तत्त्वं तेषामास्तां हृदयपुहरे शुद्धचिन्मात्रयात्मा अस्माकं तु प्रकृतिमधुरः मेघवक्त्रारविन्दो मेघश्यामः कनकपरिधिः पंकजाक्षोयमात्मा। जो लोग ध्यानातीत पदार्थ को जानते हैं उनके हृदय के आकाश में, हृदय आकाश में शुद्ध त्रिमात्र आत्मा का प्रकाश हो। हमारे हृदय में कौन है, हमारे हृदय में तो पीतांबर धारी है, कनक परिधि कमल नयन है, निसर्ग सुंदर है। अस्माकं तो निसर्ग सुंदर चिराज चेतो निमग्नं त्वयि, हे सहज सुंदर, हे स्वभाव सुंदर, मेरा मन तो चिरकाल से तुम्हारे अंदर डूब चुका है। हो महाराज श्री कृष्ण, ये रूखे सूखे लोगों का नहीं है, ये भूखों का नहीं है। जिनका तन मन प्राण इस भगवत रस में डूबा हुआ है उन लोगों का है। उसका नाम भी ऐसा ही है, रूप भी ऐसा ही है। छोटी सी जीव भगवान का नाम लेती है, आप क्या समझते हैं नाम मामूली चीज है, अद्भुत है ये नाम। वो तो जिसको जिसकी जीव खराब है उसको अच्छा नहीं लगता है। इतना मधुर 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 में तन्मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हे दयावा रघुवर्ण मात्रम
सारे कृष्ण नाम। एक बार, केवल एक बार इस मधुराति मधुर, मंगलाति मंगल, मधुरों से भी मधुर, मंगलों से भी मंगल, पावनों से भी पावन, एक बार जिसकी गीत पर भगवान का नाम आ गया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उसके सारे अमंगल दूर हो गए। आनंद समुद्र में वो अपने को अनुभव करने लगा। सारे पाप कट जाते हैं भगवान का नाम लेने मात्र से, और सारे आनंद का अनुभव हो जाता है भगवान का नाम लेने से। संभरदिम सकृदयादेव जीवलोकस्य तरणिदिव तमसि निर्गासिं जयति जगन्मंगलम हरेर्नाम। ये भगवान का नाम जगत मंगल है। ये यदि आपके मुंह में आ गया, आपके गले में आ गया, आपके हृदय में आ गया, आपका परम कल्याण। लेकिन रूप, भगवान का रूप कितना बढ़िया रूप, बावरी वहां जल जाए जो सावरो छाणी निहारती गोरो, चलो न जमुना किनारे देखो क्या हो रहा है। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, गोरा कर्ण राधा है और काला कर्ण कृष्ण है, दोनों परस्पर आलिंगित है, परमानंद में मग्न हो रहे हैं। आप एक बार दुनिया को भूल जाओ, छोड़ दो जहां की, आपकी दुकान में चोरी नहीं सकता है ना, आपका जेब कोई नहीं काटेगा, निश्चित कोई मरेगा नहीं। एक बार दुनिया की फिक्र छोड़कर भगवत रस में डूब जा। इतना बड़ा अमृत, इतना बड़ा अमृत, लेकिन भगवान का जैसे नाम अमृतमय है वैसे रूप भी अमृतमय है। विस्मापनम स्वस्य सौभगर्भे परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान को जेवर इसलिए नहीं पहनाया जाता कि वो सुंदर लगेंगे, ये विच्छित्ति आभूषण रूप विच्छित्ति, जब अंगों को बीच में कड़ा आ गया और बाजू बंद आ गया तो पता लगने लगता है कि दोनों के बीच में ये भगवान की सुंदरता कैसी है। जिनकी सुंदरता को देखकर मोर नाचने लगता है, कोयल कू कू करने लगती है, कमल खिल जाते हैं, नदियों का बहना रुक जाता है, हरिणियां देखने लगती हैं, उन कृष्ण की ओर आओ, कृष्ण को देखो कहां मिलेंगे। तो इसके लिए ग्वालिन के घर में चलना पड़ेगा। आपको क्या सुना है, एक गोपी ने कृष्ण का नाम सुन लिया, जानती नहीं थी राधा रानी की बात है, पहले से कृष्ण से पहचान नहीं थी। एक दिन किसी ने रास्ते में चलते फिरते कहीं से कृष्ण नाम बोल दिया, यही कृष्ण जो मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, कृष्ण कृष्ण ओ कृष्ण ओ कृष्ण, सुनो कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनोरी आली भूधीरी भवन हम तो बावरी भैरी। जब से कान में ये कृष्ण दो अक्षर का अमृतमय शब्द हमारे कानों में पड़ा, हमको तो घर द्वार सब भूल गया, मैं तो बावरी हो गई। एक गोपी अपने हृदय की व्यथा कह रही है, लुंपति धैर्य मार्ज्य भीति हरिलुंपति चित्तवृत्ति नाम चलितम श्रवणोपकंठे दृष्टिन्न गुरुताम सखी मत विधानाम। अरे ओ प्यारी मेरी सखी, सुन सुन, क्या बात है सखी,
अरे मैंने अभी एक बात सुनी है, एक आवाज सुनी है। अरे बहुत सारी आवाजें आती रहती हैं। तो नहीं, वो बंसी की आवाज है। एकस्य श्रुतमेव लुम्पतिमतिं कृष्णेति नामाक्षरम् प्रेमोन्माद परंपरा मुपनयत्यन्यस्य बंसी कलहा। अरे वो सावरा, वो सलोना, मेरा तो उससे प्रेम हो गया, कहाँ हो गया। अन्यस्य बंसी कलहा, अरे बस मैं तो उसी से अपना ब्याह करूंगी। अच्छा देवी जी ठीक है। दूसरे दिन कहीं से बंसी की चीनी आ गई। अरे बोली, वो जिसका नाम सुना था उससे अच्छा तो बांसुरी बजाने वाला है। कहाँ, हाँ तो मेरा ब्याह निश्चय हो गया, आज दृढ़ निश्चय हो गया। फिर आया विचार, प्रिया जी ने सोचा ये तो बहुत बड़ी गलती है कि एक का नाम सुन के उससे विवाह का निश्चय, एक ही बंसी ध्वनि सुनकर उससे विवाह का निश्चय। आप चलो जरा उस दुनिया में, इस दुनिया को रहने दे, यही शरीर को रहने दे, यही मन ही तो है, वो तो मन को जाना नहीं पड़ता। ये तो शायद आपको मालूम ही होगा, आपका मन क्या कलकत्ते जाता है? नहीं, यही कलेजे में ही रहता है। अच्छा तो क्या कलकत्ता आके आपके कलेजे में घुसता है? नहीं आता है। तो मन की शक्ल बन जाती है, जितने सुखाकार हैं जितने दुखाकार हैं मन में आप, और जब चाहे जब बना लें। इसमें कोई कोई कष्ट नहीं है, कोई संकट नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है। जब चाहे जब अपने मन में आप कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। अरे ये तो ठीक हुआ, लेकिन जिसकी बांसुरी सुनी सो, अरे उससे भी प्रीति हो गई। अरे एकस्याः पुरुषत्रयेरपि रघून, दूसरी बात क्या हुई? जब बीमार पड़ गई तक मानसिक कष्ट से पड़ गई काट पर, तो सखी एक तस्वीर बना के ले आई। शिशिर दृशौ दृष्ट्वा दिव्यं किशोरमिति ईरिता, भगवान के नाम का श्रवण, भगवान के बंसी ध्वनि का श्रवण, भगवान का चित्रमय दर्शन, भगवान का चित्रमय दर्शन। और तस्वीर से भी प्रेम होता है, बोला चित्र देख के प्रेम होता है। बहुत से ब्याह तो तस्वीरें ही देख के हो जाते हैं। आपको कृष्ण का चित्र देख के प्रेम नहीं होता? आपका दिल थोड़ा कठोर है। नाम सुन के प्रेम, बंसी सुन के प्रेम, चित्र देख के प्रेम। सखी ने ला के कृष्ण का चित्र रखा। बोली कि प्रिया जी, हाँ सखी, देखो तुम्हें कुछ कष्ट ऐसा मालूम पड़ता है, कुछ दुविधा है, कुछ समस्या है, कुछ उदासी है। देखो मैंने एक तस्वीर बनाई है, जरा देखो तो सही, इसको देखकर तुम्हारी आंखें फंदी हो जाएंगे। शिशिर दृशौ दृष्ट्वा दिव्यं किशोरमिति ईक्षिता, सखी जन वचो विश्रम्भात्मं विलास फलांकिता। मैंने सखी की बात पर विश्वास किया, आंखें ठंडी करने के लिए तुम्हारी तस्वीर को देख लिया। शिव शिव कथम जानीमा त्वामवत्रधियो वयम् निबिद बडवाहनिज्वाला कलाप विकासिनम्। आय हाय, बड़ी गलती हुई, हमें क्या मालूम कि तुम इतने टेढ़े हो। हम सीधी सादी गांव की गोपियां बातों में आ गए, तो आओ फिर तो तस्वीर वाले से प्रेम करें। आप और बेहतर बात करें। ललिता ने देखा कि हमारी प्यारी जी बहुत प्यार है, खबर पहुंच गई पृथ्वी के पास। क्या बोलते हैं प्रिया?
दुराप जनवर्तिनी रतिरपत कृपा भूयती। दुर्लभ से मेरा प्रेम हो गया और मन में शर्म बहुत है, लज्जा बहुत है। गुरु विषवर्षण मतिरति वंगता। और इधर बाप है, माँ है, भाई है, भाभी है, ये निरंतर व्यंग बाण छोड़ती रहती है। मन चंचल हो रहा है। तब परबसम जनु परमिदम कुलीनान्वये। शरीर पराधीन है, जन्म अच्छे वंश में हुआ है, फिर भी मैं जी रही हूँ। हाय हाय, मेरा मरना भी आसान नहीं रहा। मेरे पिता ने कहा मैं लेके आती हूँ। ये तीनों तीन नहीं है, जो कृष्ण है जिसका नाम कृष्ण, जो बांसुरी वाला, जो ये सुंदर मूर्ति वाला, मैं अभी लेके आता हूँ। सखी व्याकुल मत हो, कृष्ण ने कहा चुप, ऐसी बात मेरे साथ भगवान में उंगली डाली। हम जिससे विवाह नहीं हुआ है, जो हमारी पत्नी नहीं है, उसके पास हम जाएंगे, वो कैसी है? लड़का से तो रोती हुई लौटती है घर पर। जब तक विरह का दुख नहीं होता तब तक मिलन का सुख नहीं होता। न बिना विप्रलंबे न संभोग पुष्टिम स्मृते, बिना वियोग के संयोग का सुख ही नहीं। वह वियोग ललिता जी के हाथों से घर घर आपको कर रहे, पांव डगमगा रहे, मुंह उदास हो गया, बाल बिखर गए, कैसी मतवारी सी, कैसी मतवारी सी आ रही है। प्यारी जी ने ललिता सखी को समझाया, अकारुण्य कृष्णो यदि सखी तवागत कथमिदम् मुधा मारो वीर में कुरु परमिमामुत्तर कृतिम् कमालस्य स्कंधे विनिहित भुजावल्लरिरियम् यथा वृंदारण्ये चिरम अभिचला तिष्ठति तनु। सखी, यदि श्री कृष्ण के हृदय में करुणा नहीं है और नहीं आए तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है, तुम्हारा क्या अपराध है, तुम मत रो। तब तो मैं जो कहती हूँ सो करो, अब आगे के लिए तैयारी करो। विनिहित भुजावल्लरिरियम, क्या तैयारी करें? तैयारी ये करो कि वो सांवरा तो नहीं मिला, अभी सांवरा सांवरा जो कमाल का पेड़ है, अब तैयारी करो हमारे इस शरीर को बस प्राण निकलते ही ले जाकर इस कमाल स्कंध के साथ चिपका देना, हमारे दोनों हाथों का आलिंगन देना उसको। मैं अपने भुजपाश में कृष्ण को तो नहीं बांध सकी, इस कमाल के वृक्ष को अपने भुजपाश में बांध लूंगी और फिर हटाना मत, चिरकाल कर मेरा ये शव, मेरा ये मुर्दा कृष्ण के साथ नहीं, उस काले कमाल वृक्ष के साथ बंधा रहेगा। मिथ्या अभिमान बचतापी, अभिमान सिद्धि ही मिथ्या। चलो कृष्ण नहीं मिले, ये काला काला तमाल वृक्ष तो मिलेगा। अब श्री राधा रानी की आंखों से आंसू गिर रहे, ललिता रो रही। आए गए महाराज, ये अब इस समय जो कृष्ण को आना पड़ा। मां ने कहा बेटी कृष्ण के पास मत जाओ, मत देखो। बेटी ने कहा माँ ठीक है, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन फिर मुझे तुम
तुम कहाँ देख सकोगे? मैं पहले से बता देता हूँ, कल जब श्री कृष्ण इस रास्ते से निकले तो उनकी वनमाला की ओर देखना, उनकी वनमाला पर जो भौरी बैठी होगी वो मैं ही हूँ। ये जब हृदय में ये भाव आते हैं वो मन मनस का मत प्राणा मदर से त्यक्त दई का, इनके बीच में भगवान ज्ञानियों के ज्ञान की परवाह न करके, ज्ञानियों के ध्यान की परवाह न करके, उपासकों की उपासना की परवाह न करके, क्रिया योगियों के धर्म कर्म की परवाह न करके, स्वयं भगवान इनके साथ आके इनको हृदय से लगाते हैं, इनको प्यार करते हैं, इनको चुन लेते हैं। इनके शरीर की हवा जिधर से आती है उधर को नमस्कार करते हैं, इनके पांव की धूली को भी प्यार करते हैं। आप भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, इसमें विस्मरण तो है ही नहीं। श्रीमद् भागवत में ये जो गोपियों की कथा है, ये सातवें आसमान वाले ब्रह्म की कथा नहीं है, ये धरती पर रहने वाले जिनको हम आंख से देखते हैं, और आप बाबा चाहे कितने भी तार्किक हों, कितने भी तर्क वितर्क करें, कुछ भी करें, इनकी परवाह नहीं करते हैं। हम जो बोलते हैं बिल्कुल ठीक ठीक बोलते हैं। श्री कृष्ण का दर्शन इन्हीं आंखों से होता है, यही जो आपको देख रहे हैं, इन्हीं हाथों से उनको भुजपाश में बांधा जाता है, वे इसी हृदय से लगते हैं। हम जैसी स्थिति में हैं उस स्थिति में भगवान आकर हमसे मिलते हैं। आप विश्वास करो मत करो, ये बात बिल्कुल सच्ची है। इसी जीवन में आप कल्पना कल्पना करके ठगे जा रहे हैं, आपका शरीर भी कल्पना है, आपके संबंधी भी कल्पना है, आपका धन भी कल्पना है। आपको कल्पना से परहेज है, भगवान की कल्पना से परहेज है। आप बिल्कुल सच समझो, हम बड़े स्वातंत्र के साथ ये बात कहते हैं। हम जैसे शास्त्र के बारे में सुनते हैं, वयम इह पदमर्थम तर्कमान वीक्षितिम्बा यदि पथि विपतेवा योजयामः सपन्था। हम व्याकरण मीमांसा न्याय वेदांत चाहे पंथ से ले चले चाहे कुपंथ से लेकर, जिस रास्ते से ले चलते हैं वही रास्ता है। यदि पथि कुपथेवा वर्तयाम स्वपन्था उदयति दिशिजस्याम भानुमान सैव पूर्वा नहि तरणिरुदिते विपराधीन वृत्ति। पूर्व में सूर्य का उग्र नहीं उदय होता, पूरब दिशा में सूर्य नहीं उगते, जिस दिशा में सूर्य उगते हैं उसका नाम पूर्व है, सूर्य पूर्व के अधीन नहीं है। जहाँ सूर्य का पांव है वहां पूर्व है। हम जो बोलते हैं बिल्कुल ठीक अनुभव की बात बोलते हैं, अपने प्यारे प्रभु का दर्शन होता है, वो मिलते हैं। आपको क्या सुनाएं, ऐसा प्रेम कि भगवान को बुलाने की युक्ति नहीं छूटती है, ऐसा प्रेम कि ग्वाल इन भगवत दही को सिर पे लेके निकलती है और मालूम पड़ता है हम भगवान को बेच रहे हैं। तो ऐसा प्रेम जिसमें प्रेम का अभिमान नहीं होता है, ऐसा प्रेम जो जीव परा के कभी झूठा नहीं होता है, ऐसा प्रेम जो ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम सारी सृष्टि को श्याम मई बना देता है, वो मतलब दबा रहा। ये द्वैत प्रेमाद्वैत है।
चैतन्य महाप्रभु इसको प्रेमाद्वैत बोलते हैं, हरिदास जी इसको रसाद्वैत बोलते हैं, हरिवंश जी इसको सिद्धाद्वैत बोलते हैं, वल्लभाचार्य जी इसको विशुद्धाद्वैत बोलते हैं। और यदि आप भगवान से प्रेम नहीं करोगे तो सुन लो सीधी बात, आनंद है आपका स्वभाव, वो प्रतिबिंबित होता है आपकी वृत्ति में, उसके अनिमित्त संसार में किसी दूसरे को मान करके मरते फिरोगे, लोगों के पीछे पीछे आपको भागना पड़ेगा, पराधीन होना पड़ेगा, जन्मने मरने वाले के साथ फंसना पड़ेगा, वो आपके साथ विश्वासघात करेगा, आप दुखी होंगे। यदि दुख से बचना चाहते हैं तो आइए, ये नंदनंदन, ये श्याम सुंदर, ये पीतांबर धारी, ये मुरली मनोहर, ये प्यार भरी चितवन वाला, ये मंद मंद मुस्कान वाला, ये गले में बनवाला पहने, ये प्रबंध ललित भाव से खड़ा होकर बांसुरी बजाने वाला, आओ आओ ब्रज में उसको ढूंढो। परम ममोपदेशमाद्रियत्व निगम बनेषु नितांत चारखिन्ना विचिन्त भवनेषु गंधवीना उपनिषदर्थमुदूपदेह निरक्तम। अब प्रबुद्धानंद जी जरा मुस्करा रहे हैं।